क्योंकि इमेज इमेज बनाने में मैं इनका बहुत यूज करूंगा। मैं बिना डायग्राम बनाए आपको बता दूंगा कैसा होगा इमेज, रियल वर्चुअल सब बात है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरे बच्चों ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आज हम पढ़ेंगे, उसमें भी आज हम बेसिक बात पढ़ेंगे जो टेंथ के बच्चे हैं और खासकर ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि इसको शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो लेकिन देखना पूरा, आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, तो ऑप्टिक्स क्या हुआ करता है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो ब्रांच को हम बोला करते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ा करते हैं मेरे बच्चों ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट लाइट। किसके बारे में बात करते हैं हम? वी डील्स अबाउट लाइट। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उस यूनिट को, उस ब्रांच को बोला करते हैं फिजिक्स की ऑप्टिक्स। चश्मा बनवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना? हाँ, चलिए अब जो ऑप्टिक्स होती है मेरे बच्चे वो कैसे कैसे डिफाइन की गई उसमें बातें करेंगे। रे ऑप्टिक्स एक अलग होती है, वेव ऑप्टिक्स अलग होती है, वो खैर 12th के लेवल की होगी, फिलहाल हम 10th के लेवल की बात करेंगे। 10th में सिर्फ रे ऑप्टिक्स हुआ करती है तो हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ओके, चलिए तो अब लाइट के बारे में, लाइट के बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपने देखे होंगे अपने आसपास। क्या देखे हैं मेरे बच्चों आपने? जैसे कि आपने देखा हो, मान लीजिए कई बार रेनबो, बारिश के बाद रेनबो दिखता है, रेनबो लाइट का फिनोमेना है ना? प्रिज्म से सात रंग दिखते हैं, वही चीज वो है। आपने नाइक में बाल कटाए, शीशे में पीछे शीशा आपकी पिक्चर दिखी जा रही है, इमेज दिखे जा रही है, ये सब लाइट के फिनोमिना है। या फिर आप यहाँ पर देख रहे हो, शीशा इधर है, आपको अपनी मम्मी दिख रही है उधर रसोई में खाना बनाती हुई, किचन में दिख जाती हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, बच्चे खूब खेलते हैं, वहाँ से लाइट आ रही है तो दूसरे दोस्त पर गिराते हैं, है? सुल्तान मूवी भी दिखा रखा है, वो बुलाता है अनुष्का शर्मा को, सलमान खान। खैर, तो लाइट के बहुत सारी बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिना हैं, उसमें से आज हम थोड़ी सी, आज हम स्टार्टिंग देख रहे हैं, आज हम लाइट के बारे में, बस लाइट को टच करके आना है, ऐसा ना टच करके भागे आ जाओ, बस टच करके हमें आना है लाइट के बारे में। ओके, तो लाइट होती क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज लाइट? कोई पूछे आपसे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? लाइट का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश, और इसे कहते हैं ज्यामिति, ज्यामिति नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं ऑप्टिक्स को, कुछ और कहते हैं प्रकाश मिति। चलिए प्रकाश, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, है ना? आप इमेजिन करें, आप एक कमरे में गए, वहाँ सारी लाइटें बंद हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा है, क्या आप वहाँ किसी भी चीज़ को देख पाते हैं? आंसर नहीं देख पाते। जैसे आपने स्विच ऑन किया, लाइट जलती है और आप धीरे धीरे सब कुछ चीज़ देख पाते हैं अगर आपने आँखें खोल रखी हैं। कोई ये कह दी ना जी मैंने तो आँखें बंद कर रखी हैं तो भैया नहीं देख सकता, आँखें अगर खोल रखी हैं, आँखें आपकी अगर ठीक हैं। चलिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब एक बात समझना, हम क्यों देख पाते हैं? असल में लाइट ना हमारी आंखों पे एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या भला? इट प्रोड्यूस सेंसेशन टू आई में भी, खासकर रेटिना पे सेंसेशन देती है लाइट, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, क्या देखा होगा, जैसे कि होते नहीं कुछ कुछ बच्चे, उनपे दो दो आई कार्ड होते हैं, एक पुराना है, एक इस साल का है, दो दो आई कार्ड लेके घूमते हैं, अलग अलग आईडी लेके घूमते हैं, है ना? ऐसे ही लाइट के पास बेटा दो आईडी कार्ड हुआ करते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट हैज ड्यूल नेचर, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारी लाइट, लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल का मतलब होता है ड्यूल सिम होता है ना, दो दो सिम, हाँ। तो लाइट हैज ड्यूल नेचर, इस पर दो नेचर हुआ करते हैं, एक रे नेचर, एक वेव नेचर। लाइट रे की तरह भी काम करती है और लाइट वेव की तरह भी काम करती है, नॉर्मली आज हम तब तो 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, वो सारा रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स किसमें आती है? वेव ऑप्टिक्स
इसमें आया करती है। स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइन, लाइट जैसे कि हम नॉर्मली देखते भी हैं वो हमें दिखता है, नजर आता है, वेव ऑप्टिक्स हमें इतनी आसानी से नजर नहीं आती है। ओके, रे वाले कहाँ पे यूज होते हैं? आप लोगों ने फिनोमेना नाम सुने होंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आना, ये रिफ्लेक्शन। एक आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक से दूसरे में चले जाना, एक से दूसरे में चले जाना। रिफ्लेक्शन होता है टकरा के वापस आना। इसे बोला करते हैं परावर्तन, इसे बोला करते हैं अपवर्तन, हिंदी में परावर्तन अपवर्तन। ऐसे ये बताते हैं रे नेचर को। ऐसे वेव नेचर को कौन कौन बताता है मेरे बच्चे? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लिखना है मैंने, क्या लिख दिया? क्या बताया करता है मेरे बच्चे? इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये सब। और क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये सब बताया करते हैं लाइट के वेव नेचर को। ये सब हम ट्वेल्थ में पढ़ा करते हैं, अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग यूनिट हुआ करती है, ये भी ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये चीज कहाँ देखी है आपने? जैसे आपने देखा कहीं पे कोई तेल वेल गिर गया, उसके ऊपर आपको सात रंग दिखते हैं ना, होता है कहीं पे आपका तेल वगैरह गिरा हुआ है, या फिर जैसे अभी ट्रक खड़े थे, ट्रक चले गए तो उसके नीचे तेल तेल गिर जाता है, तो वहां पे जब लाइट गिरती है तो वहां सात रंग दिखा करते हैं, वो इंटरफेरेंस हुआ करता है। ऐसे ही आप अगर देखना चाहेंगे, एक पेन को लें, अपने आसपास देख सकते हो, पेन को लो, बहुत नजदीक रखो स्क्रीन के, तो आपको उसके पेन की जो निब होगी, निब की शेडो भी दिखेगी, निब की शेडो भी दिखेगी। आप धीरे धीरे पेन को दूर ले जाओ, यानी कि स्क्रीन को दूर ले जाओ या पेन को दूर ले जाओ, बात एक ही है रिलेटिवली। आप जो देखते हैं एक टाइम के बाद गायब हो जाती है, तो वो सब डिफ्रेक्शन में आता है। पोलराइजेशन आपने देखी होंगी, 3D मूवी चश्मे लगाते हैं, वो सब वेव ऑप्टिक्स में है। हमें क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन, एक से दूसरे में जाना रिफ्रैक्शन, इसको हम बात करेंगे। लाइट के दो नेचर होते हैं, रे और वेव। ओके, अब जब लाइट एक वेव है तो भैया लाइट किस तरीके की वेव होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो वेव होती है मेरे बच्चे, वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप? एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हुआ करता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे नहीं लिख रहा? चलो क्या हुआ करते हैं, EM वेव का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड हुआ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हुआ करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है खड़े में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है पड़े में, और लाइट ऐसे चलती है, ये जहां मैं चल रहा हूँ ये लाइट चलती है। तो ऐसा हुआ करता है, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है चुक 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 दाएं बाएं ये, और लाइट कहाँ चल रही है? लाइट चल रही है आगे, ये हुआ करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है? वर्टिकल, यू। और लाइट कैसे चल रही है? जहां मैं चल रहा हूँ ऐसे चल रही है लाइट, ये हुआ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मेरे बच्चे, आप लोग याद करें, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेवल कह लो, प्रोपोगेट कह लो, जो आपकी मर्जी वो कह लो, हमें क्या मतलब पड़े। क्यों नहीं चल पड़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं हुआ करती है। और अगर हम मीडियम की जरूरत चलने के लिए नहीं है, इसका मतलब ये वैक्यूम में भी चल जाएगी। अगर इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, ये आपकी वैक्यूम में भी चल जाएगी। तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, या फिर स्पेस कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, या फिर क्या बोलेंगे हम, स्पेस, स्पेस में भी चल सकती है लाइट।
स्पेस में जब चल सकती है, चल रही है तो इसका मतलब स्पीड हुआ करेगी इसमें, तो स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग याद रखेंगे बेटा, ये हमेशा आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट हुआ करती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 करोड़। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट हुआ करती है मेरे बच्चे इन वैक्यूम या फिर स्पेस में। बाकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेस में इतनी होती है, बाकी अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हुआ करती है। ध्यान रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो स्पेस में भी चल जाती हैं, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी स्पीड इतनी हुआ करती है वैक्यूम में। वैक्यूम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान इस बात का रखेंगे। ओके, फिर मैंने क्या बोला कि लाइट जब है इसकी स्पीड दे रखी है तो अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग हुआ करती है, उसको हम लिखा देंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसको रब कर दिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चे, कि लाइट की जो होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड हुआ करती है। थोड़ी सी बात इसकी और है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति भिन्न भिन्न होती है। ये हुआ करता है आपका हिंदी में हम पढ़ा सकते हैं। अब जब अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, देखो डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया मतलब कि लाइट चलेगी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एयर में कुछ है, वाटर में कुछ है, ग्लास में कुछ और है, डायमंड में कुछ है, ग्लिसरीन में कुछ और है, ऑयल में कुछ और है, तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। अब एक बात समझना, जब भी मैं किसी दो को कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए एक मोटा है और एक पतला है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ तभी मैं कह पा रहा हूँ कि ये मोटा है और ये पतला है। आपस में मोटा पतला होते हैं, ध्यान रखना। कभी भी हम बात करते हैं, कोई कहेगा साहब आप लंबे हो, तेरे से लंबे हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन से थोड़ी लंबे हैं, हो सकता है कोई अमिताभ बच्चन से भी लंबा हो, तो हो सकता है वो खली से छोटा हो। तो कंपेयर करते हैं मेरे बच्चे, आप कंपेयर करके ही आप किसी भी चीज़ को कहते हैं कि कोई मोटा है, काला है, गोरा है, जो भी चीज़ है। अब अगर कोई मुझे देख के कहे कि साहब तुम काले हो, तो मैं किसी के कंपेरिजन में काला होऊंगा, हो सकता है बहुतों से गोरा हूं, है ना। तो कंपेरिजन की बात होती है, जब कह रहे लाइट डिफरेंट है डिफरेंट मीडिया में, तो अगर हम दो को कंपेयर करें किसी भी दो मीडियम को, तो एक में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी दूसरे में कम होगी। एक मीडियम ऐसा होगा, मान लीजिए दो मीडियम लिए मैंने, तो कैसे होंगे, अलग अलग है, तो किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। मान लीजिए पहले मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट मैंने क्या मान ली मेरे बच्चे, मैंने मान ली इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, किसके मुकाबले ज्यादा है, इस वाले में। इसमें लाइट की स्पीड धीमी है, इसमें लाइट धीमे धीमे चलती है, धीमे धीमे बिल्कुल सुस्त होगी, ऐसा हो सकता है और होगा जरूर जब दो मीडियम को कंपेयर करोगे, डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, तो एक में ज्यादा होगी एक में कम। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को बोला करते हैं मेरे बच्चों ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हुआ करती है, कंपेरिजन में कम हुआ करती है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, वो हुआ करता है मेरे बच्चे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बेहद इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना ये। कभी भी स्पीड ऑफ लाइट अगर दो मीडियम में अलग अलग है, अलग अलग तो होगी, तो इसका मतलब एक में कम एक में ज्यादा होगी। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसे बोला करते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा कम है कंपेरिजन में उसे बोला करते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने देखा ट्रेन में चाय वाला आया, चाय जो भी आया, खैर आप इमेजिन करें टॉप व्यू देख रहे हैं, आप टॉप व्यू ये ट्रेन है, ये इसमें लोग हैं, भीड़ भाड़ है, ठीक है। एक दूसरे दिन ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, या दूसरा डब्बा है, डब्बे होता है ट्रेन में बोगी, हाँ इसमें भीड़ ये है, ये है इसमें भीड़ है ना, होती है किसी किसी भीड़ भरे हुए हैं, जनरल बोगी है ये है जनरल में सफर कभी तुमने किया हो तो मालूम चले कितनी भीड़ हुआ करती है। ये आपका
सिंपल रिजर्वेशन वाली बोगी है भाई साहब, कम लोग दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे होंगे आई थिंक, नजर आ रहे, देखो जरा मैं, नजर आ रहे हैं, हाँ नजर आ रहे होंगे, थोड़े डार्क वाले पड़ेंगे डॉट डॉट से था। अब समझ के देखना क्या होता है, एक चाय वाला आता है, वो सेम स्पीड से चलना चाहता है, डब्बों की लेंथ तो बराबर होती है ना, वो आया कह रहा चाय चाय चाय, किसमें एक इसमें निकला, इसमें स्पीड इसकी कुछ रही होगी मान लीजिए V1, फिर वही चाय वाला ये चाय, इसमें निकला इसमें निकला इसमें निकला, इसमें स्पीड रही होगी V2। कॉमन सेंस क्या कहता है, किसमें स्पीड ज़्यादा रही होगी, किसमें स्पीड कम रही होगी, आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि V1 ज़्यादा रही होगी, आपका जो कॉमन सेंस कहता है मेरे बच्चे वो ये कहता है कि V1 ज़्यादा रही होगी V2 से, पहले मीडियम में आपकी स्पीड ज़्यादा रही होगी दूसरे मीडियम से, ऐसा आपने इसलिए कह पाए क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, चाय भाई साहब भाई भाई साहब भाई साहब भाई साहब, निकलने में देर लगती है। तो ये मैंने सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बताया है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है लाइट के केस में मेरे बच्चे, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है ना, आदमी लोग बाग ज़्यादा घुसे हुए हैं ठुसे हुए हैं, तो इसमें धीरे होगी स्पीड, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड धीमे, डेंसर मीडियम यानी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है। देखो यहाँ पे, अब जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वो रेयरर हो गया, रेयर का मतलब दूर दूर दुर्लभ होता है ना, रेयरर कि बड़े रेयरर फाइंड होता है वाइट एलिफेंट, बहुत बहुत दुर्लभ है, तो जिसमें दूर दूर है उसमें स्पीड तेज है, जिसमें पार्टिकल नज़दीक नज़दीक है डेंसिटी ज़्यादा है उसमें स्पीड कम है, तो जिसमें स्पीड कम होती है होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। फिर से कह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे आप, ये कंपैरिजन में निकला करती हैं चीज़ें, कंपैरिजन में आपने दो को कंपेयर किया तो एक डेंसर होगा एक रेयरर होगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा है वो रेयरर है, जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर है। ठीक 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 ओके ओके ओके। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं मेरे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जो आपने देखी अपने करके भी देखा होगा, जो व्हाइट लाइट होती है विजिबल लाइट होती है, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट होती है, वो लाइट सात रंगों से मिलकर बनी होती है लाइट, मैं खासकर विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, विजिबल लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर, इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स, वो सात रंगों से मिलकर बनती है, सात में पॉइंट में बात आई है सात रंगों की, वो सात रंग क्या हुआ करते हैं, वो सात रंग हुआ करते हैं VIBGYOR, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, है ना, बैंगनी आसमानी नीला हरा पीला संतरी और लाल, ये सात रंग हुआ करते हैं, आपके प्रिज्म में दिखते हैं, आपके रेनबो में दिखा करते हैं, इन सात रंगों से मिलके मेरे बच्चों लाइट बना बनी करती है। नाइन्थ में आपने मैंने आपको बताया था वीडियो नहीं डाली नाइन्थ के मैंने जो बच्चे स्कूल वगैरह पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा, लाइट में, लाइट में हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले वो नाइन्थ में पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं बेटा नाइन्थ में, वो वेव चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं नाइन्थ में, वो वेव चैप्टर। तो मैंने बोला भी लाइट एक वेव है, तो मैंने आपको फिर मुझे आदत है तो मैंने बताया था बेटा नाइन्थ क्लास में बच्चों को, देखो ये होते हैं रंग VIBGYOR, यहाँ तक ये है मेरे बच्चों आपका विजिबल लाइट, सात रंगों से मिलकर बनी है आपकी विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट। वायलेट, वायलेट से इधर हुआ करता है मेरे बच्चे अल्ट्रा वायलेट, आपने नाम सुना होगा यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज है ना। रेड, रेड से अगला हुआ करता है इंफ्रा रेड, ये भी आपने नाम सुना होगा IR रेज, गर्मी, जो गर्मी मिलती है ना धूप से वो इसी की वजह से मिलती है इंफ्रा रेड। ओके, ये चीज हुआ करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें होता क्या है बच्चे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आपको वेव चैप्टर में हमने बताया होगा, ध्यान से देखना इस चीज को, वेव है, वेव वेव वेव, तो वेव की क्या खासियत है, ऐसे होती है ये, इस तरीके से वो वेव हुआ करती है, मतलब कि आप ध्यान से देखें तो वेव लेंथ आपने पढ़ा ना इसमें, अगर एक चक्कर चलती है ये, तो यहां से एक चक्कर चली गई डिस्टेंस को बोला करते हैं वेव लेंथ, ये लैम्डा कहते थे ऐसे ना, लैम्डा लंगड़ा लैम्डा। चलिए तो ये हुआ करती है मेरे बच्चे आपकी वेवलेंथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, ओह माफ करना, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे इस डायग्राम में, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ एक चक्कर की डिस्टेंस, यहाँ वेवलेंथ बड़ी 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 बड़ी, यानी कि वेवलेंथ अगर आप देखेंगे लेफ्ट से राइट जाने में वेवलेंथ बढ़ रही है,
इधर को जाने पर अगर आप देखते हैं तो जो वेवलेंथ हुआ करती है लैम्डा, वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है मेरे बच्चों। वेवलेंथ क्या हो रही है मेरे बच्चों, वेवलेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है, इसको ध्यान रखेंगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। वेवलेंथ आपकी इधर को इंक्रीज कर रही है, किधर को इंक्रीज कर रही है, वायलेट से लेकर रेड की ओर चल रहे हैं, इंक्रीज कर रही है। याद रखने के लिए आपको बता देता हूं, किसी किसी बुक में 376 है, मैं आपको याद करा रहा हूं 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर हुआ करती है वायलेट कलर की वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ आप याद रखना, इसका ठीक डबल, ये हुआ करती है 800 नैनोमीटर, और इनका एवरेज 600, वो हुआ करता है येलो कलर की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होते हैं आपको मालूम होगा, नैनो का मतलब होता है 10^-9 meter, इसको आप कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो ये हुआ करती है बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ कहाँ को पढ़ रही है, इधर को पढ़ रही है, यानी कि अल्ट्रावायलेट से ज्यादा वेवलेंथ विजिबल की, विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड की। और एक बात आपको पता थी, अगर आपको पता है जो वेवलेंथ होती है मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होती है। अगर मैं बात करूं वेवलेंथ उधर को बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, निश्चित तौर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हुआ करते हैं, तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली डिक्रीज कर रही होगी। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ रेड कलर और ब्लू कलर में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपको पता है रेड और ब्लू, तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है। तो ब्लू और रेड में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ब्लू की, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात, लाइट जो होती है, लास्ट पॉइंट है, समझ लो, लाइट जो हुआ करती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइट एक सीधे रास्ते चलती है, इसे बोला करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ये सिर्फ तब तक स्ट्रेट पाथ पे चलती है जब तक इसके आगे कोई ऑब्स्टिकल ना आए। मान लीजिए स्ट्रेट पाथ पे चल रही थी, आगे से कोई पत्थर टकरा के बेंड होगी, सिंपल समझो बॉल को फेंकवा, बॉल सीधी चलेगी तब तक जब तक आगे से कोई ऑब्स्टिकल ना आए। तो लाइट स्ट्रेट पाथ पे तब तक चलती है, ट्रैवलिंग करती है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ कब तक चलती है मेरे बच्चे, जब तक उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ना आए। ऑब्स्टिकल आने पे अलग चीज है, मान लीजिए लाइट जा रही थी सीधी रे नेचर की बात करते हैं, आगे से आ गया कोई मिरर तो क्या होगा, टकरा के वापस चली गई, तो रास्ता बदल दिया ना, अदरवाइज देखो स्ट्रेट जा रही थी। या फिर ऐसे ही हुआ करता है, एक मीडियम था, इधर दूसरा मीडियम था, लाइट ऐसे जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ दूसरा मीडियम आया तो चली गई इधर, बैंड हो गई। ये हुआ करता है रिफ्रैक्शन, ये हुआ करता है रिफ्लेक्शन। लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है जब तक कोई ऑप्टिकल ना आए। यहाँ पर ऑप्टिकल काम कर रहा है मिरर का, यहाँ पे इंटरफेस आती है दोनों मीडियम की इंटरफेस आया करती है। चलिए तो ये उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, छोटी सी बात और बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, जो अपना प्रकाश देती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं जो अपने खुद की लाइट निकालती हैं, अंदर से अपने खुद की लाइट को निकाला करती हैं, इमिट करा करती हैं। वो क्या हुआ करती हैं, वो ऑब्जेक्ट हम बोला करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोला करते हैं मेरे बच्चे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकाला करती हैं, प्रकाश निकाला करती हैं। चलिए एक होती है फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है, जो खुद की लाइट नहीं होती, उनमें अपनी लाइट नहीं निकालती लेकिन दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि आपका चांद, चांद का मतलब ये खोपड़ी नहीं, मतलब मून, जो खुद की लाइट निकालता है वो ल्यूमिनस, और जो खुद की लाइट नहीं निकालता लेकिन दूसरे की रिफ्लेक्ट कर देता है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस हुआ करता है। चलिए अब इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, जो बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको आगे तक यूज में आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, 12th का बालक है, 10th का बालक है, इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जो बताई वो तो थी ही, बेसिक थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट की सिंपल डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो वो होती है लाइट के चलने की डायरेक्शन को रे ऑफ लाइट बोला करते हैं। लाइट एनर्जी के चलने की डायरेक्शन क्या बोला करते हैं, रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के चलने की डायरेक्शन को, लाइट एनर्जी के चलने की डायरेक्शन को बोला करते हैं रे ऑफ लाइट। ध्यान रखना, रे ऑफ लाइट बेसिकली डायरेक्शन है,
रे ऑफ लाइट क्या है? डायरेक्शन, लाइट के चलने की डायरेक्शन को रे ऑफ लाइट बोला करते हैं। जैसे 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 एक ये बल्ब यहाँ लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ से कोई आदमी इधर से देख रहा है तो उसको लाइट एनर्जी कहाँ को नजर दिखेगी आती हुई? मान लो ये बाल वाल हो गए इसके, कान हो गए हैं, ये हो गए इसकी कनौती, लंबे लंबे बाल, देख रहा है ये गरीब, बल्ब यहाँ जल रहा है, इसको लाइट एनर्जी कहाँ को आती हुई नजर आएगी? इसको नजर आएगी कि सर ऐसे आ रही है। तो इसके लिए ये है रे ऑफ लाइट, ये ठीक, हाँ रे ऑफ लाइट, कोई यहां से देख रहा है तो उसके लिए ये होगी रे ऑफ लाइट है। क्या ही है? रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसमें एक और टर्म यूज हुआ करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, अजीब सी टर्म तो नहीं है, बीम ऑफ लाइट। बेटा बीम हम शब्द वहां यूज करते हैं यहाँ पे ग्रुप बनता है, बंडल बनता है, एक है तो रे ऑफ लाइट, बहुत सारी है बीम ऑफ लाइट, या फिर उसे बोला करते हैं बंडल ऑफ लाइट रे, बंडल ऑफ लाइट रे, उसको हम क्या बोला करते हैं? बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं उसको हम बोला करते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये बीम ऑफ लाइट बेसिकली बेटा एक तो देखेगा इस तरीके से हुआ करती है, आप देखेंगे कि ये मैं मोर लेस कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैरेलल हो, सभी की सभी कैसी हो? पैरेलल, सारी की सारी रेज ऐसे जा रही है, इसका लाइट यहाँ कहीं होगा, सोर्स लाइट का सोर्स कहाँ होगा? लाइट का सोर्स कहाँ होगा? इधर की इधर, इधर इधर से लाइट ऐसे चल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो इसमें लाइट इधर से चल रही है तो यहाँ होगा जरूर सोर्स ऑफ लाइट, ध्यान रखना SOURCE, प्रकाश का स्रोत इस साइड होगा, वहां से लाइट आ रही है ऐसे करके। और ये कोशिश करी मैंने सारी पैरेलल बनाने की, तो इसे हम बोला करते हैं मेरे बच्चे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज, पैरेलल लाइट रेज। एक दूसरी बात क्या हुआ करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बताने जा रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से, और क्या हो सकती है लाइट रे? इस तरीके से हुआ करती है मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इसे लिख लेना, बता रहा हूं। ये ऐसे भी लाइट रे हुआ कर सकती है, अब ध्यान से देखो तो सारी की सारी लाइट रे ये दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जाना चाह रही है, दूर जाना चाह रही है, ये सब लाइट रे हुआ करती है मेरे बच्चे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हुआ करती है, डी से दूर जाना, डी से डाइवर्जिंग, ध्यान रखना डी से दूर जा रही है, डाइवर्जिंग हुआ करती है, डाइवर्जिंग दूर जाने वाली। अच्छा ये पैरेलल है, कोई गैप ना बढ़ रहा ना घट रहा, यहाँ पे गैप लगातार बढ़ता जाएगा, अब एक ऐसा भी चीज में गैप घटता हो, गैप घटने वाला मैं बना रहा हूँ अलग कलर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से हो सकती है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर गैप घट रहा है, ये नजदीक आ रही है दूसरे के, है ना, एक पॉइंट पे आना चाह रही है, क्लोज, कम क्लोज, कम क्लोज, ये होती है कन्वर्जिंग, कैसी रेज हुआ करती है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम, या फिर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हुआ करती है, याद रखेंगे सी से कन्वर्ज, सी से क्लोज, कम क्लोज, ये क्लोज होती है, यानी क्लोज का मतलब पास आना चाहती हैं एक दूसरे के, क्या आना चाहती हैं? दूसरे के पास आना चाहती हैं, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहती हैं। तो ये हुआ करती है मेरे बच्चे, आज का आपका टॉपिक इतना है, आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान समझेंगे, तो बहुत फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, इसके बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके करने वाले हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले हमने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे आप सबको, एक तो रे ऑफ लाइट वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपने, और दूसरा ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसमें स्पीड ज्यादा वहां पे वो मीडियम होता है ऑप्टिकल रे और मीडियम, जिसमें स्पीड कम लाइट की वो मीडियम वो करता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, हमेशा कंपैरिजन में ही निकलेगा वो, ध्यान रखना ये, और ये चीज बड़ी ध्यान रखना, डाइवर्जिंग क्या हुआ करती है जब एक दूसरे से दूर जाना चाहती है, और कन्वर्जिंग क्या हुआ करती है, क्योंकि इमेज, इमेज बनाने में मैं इनका बहुत यूज करूंगा, मैं बिना डायग्राम बनाए आपको बता दूंगा कैसा होगा इमेज, रियल वर्चुअल सब बातें, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो बेटा आपने ये वीडियो देखी आखिर तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।